नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभान क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 विज्ञान के पेपर का फुल सोल्यूशन। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा विज्ञान के पेपर का पूरा हल मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो लास्ट नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। पहले का कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर, पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, 1735 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, क्योंकि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। 35 में 17 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। इसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 20 के साथ तत्व आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में रखा जाएगा? तो विन्यास कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा? 2 8 8। तो किस में रखा जाएगा? दूसरे आवर्त में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आवर्त। इसके नेक्स्ट है, वृत्ति गति में वह बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है हमेशा विराम में रहता है, हमेशा रैखिक गति में रहता है, सदैव घूर्णन गति करता है, दोलन गति करता है, तो क्या करता है? हमेशा विराम में रहता है। तो क्या रहता है? हमेशा विराम में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है, केल्विन पैमाने में किसी वस्तु का तापमान 300 केल्विन है, तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा? तो कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा 27 सेंटीग्रेड। तो कितना हो जाएगा? 27 सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का सी नंबर, ये बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 सेंटीग्रेड। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को फटाफट लाइक करिए, चैनल बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। एक प्रतिरोध, एक समान प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़े हैं तो परिणामी मान उनके प्रतिरोध के मान का क्या होगा? मान का दोगुना होगा। क्या होगा? दोगुना होगा। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वृक्क की संरचनात्मक इकाई है खेतों से आने वाले पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध हो जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके बाद नेक्स्ट है, काली खांसी और खसरा रोग द्वारा फैलता है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है, यही इंग्लिश में दिए गए हैं आपके। सही संबंध बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। इसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु मॉडल किसका है? बोर का परमाणु मॉडल। इसके बाद इंसुलिन इसके बाद नेक्स्ट है, बृहत पोषक तत्व है, बृहत पोषक तत्व किसका है? मधुमेह का। इसके बाद नेक्स्ट है, इंसुलिन का अल्पस्राव है जिंक। इसके बाद नेक्स्ट सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। तो आप मिला लीजिए, आपके सही मिलान है।
यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए जिससे हमारा अगली वीडियो नोट पे आपको सबसे पहले मिले। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमांक 27 का अति लघु उत्तरी प्रश्न है, कंधे पर लटकने वाले थैले की चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि यदि पतली पट्टी होगी तो उसमें भार अत्यधिक लगेगा और कंधे में कट के निशान बन जाएंगे, और चौड़ी पट्टी से भार अधिक उठाया जा सकता है, इसलिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। चाल क्या है? किसी निश्चित समय में चली गई दूरी, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी तथा लगने वाले समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय में चली गई दूरी तथा उस समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। उत्तल लेंस अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। उत्तल लेंस, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकेंड में डाउट नेट के साथ करें उन्हें आउट, क्वेश्चन की पिक निकालें और उसे क्रॉप करें और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अदर बोर्ड के हों, या आपकी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की क्लासें IIT, JEE, मेंस, नीट की सभी की क्लासें आपको पढ़ाई जाती। आपकी क्लास 6 से 12 तक की IIT, JEE, हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम से सभी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। और अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। उत्तल लेंस क्या होता है? ये बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस, ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने में काम आता है, अवतल लेंस दूरदृष्टि दोष को दूर करने में काम आता है। तार की कुंडली के कोर में नम लोहे को रखने से चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ जाता है? तार की कुंडली के कोर में नम लोहे को रखने से चुंबकीय क्षेत्र इसलिए बढ़ जाता है क्यों? लोहा चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करने लगता है। लोहा क्या करता है? चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करने लगता है जिससे और चुंबकत्व बढ़ जाता है। क्या होगा अगर किसी फूल में से स्त्री केसर को निकाल लिया जाए? जब किसी फूल में से स्त्री केसर को निकाल लिया जाएगा तो फूल में बीज का निर्माण नहीं होगा, और उसमें बीज नहीं पड़ेगा तो उसमें फल भी नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा यदि किसी फूल से स्त्री केसर निकाल लिया जाए? तो उसमें फल और उसमें बीज पड़ने की सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो धातुओं के नाम उनके संकेत लिखिए। पहली धातु सोडियम, सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na। दूसरी धातु है जिंक, जिंक का प्रतीक होता है ZN। नोट कर लीजिए, सोडियम धातु Na, जिंक धातु ZN, सोना, सोने का क्या प्रतीक होता है? AU, और चांदी का होता है AG। चांदी का क्या होता है? AG, सिल्वर। तो नोट कर लीजिए, दो पूछी आपको तो लिख दीजिएगा आप, सोडियम Na, जिंक ZN या सोना AU, चांदी AG। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक 3 अंक के बांटे गए हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में कोई अंतर? 3 अंतर लिखे। मूल मात्रक वे मात्रक जो मूल राशियों से प्राप्त होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।
मूल मात्रक सात होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे होते हैं, ये सभी मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। मूल मात्रक का मान हमेशा समान होता है, व्युत्क्रम मात्रक बदलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण से दीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस प्रकार है, ना तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान घटता है ना ही बढ़ता है, वह एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित रहता है यह संरक्षित रहता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह ना ही द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे एक लोहे की रॉड से 10 केलियाँ बनाई जाएं, तो 10 एक लोहे की रॉड का द्रव्यमान 10 किलो है और 10 केलियों का वजन 10 केजी होगा, तो ना ही द्रव्यमान बदला जा सकता है ना ही द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है, यह एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे तीन उपकरणों के उदाहरण दीजिए जिनमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकर अथवा दोनों एक साथ उपयोग होते हों। माइक्रोफोन अथवा स्पीकर या दोनों, तो पहला क्या है आपका टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर। आपसे तीन उपकरण पूछे तो आपको लिखना है टेलीविजन, टेलीफोन और कंप्यूटर। एलकेन, एलकीन और एलकाइन का समान सूत्र लिखिए। एलकेन का क्या होता है, CH3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जले हुए व्यक्ति में कौन सी प्राथमिक उपचार सुझाएंगे, जले हुए व्यक्ति के लिए कैसा प्राथमिक उपचार सुझाएंगे। यदि व्यक्ति जल गया हो तो सर्वप्रथम उससे किसी कपड़े से आराम से पोंछ दें, उस व्यक्ति को उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं, और उस व्यक्ति के जिस जगह पे जला हुआ उस घाव को अच्छे से डिटॉल से साफ कर दें, डिटॉल से या किसी अन्य क्लीन करने वाले मटेरियल से साफ कर दें, उस घाव को अच्छे से पोंछ दें, और उसमें कुछ यदि आपके पास प्राथमिक उपचार की ट्यूब रखे हो तो लगा दीजिए, अन्यथा उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, वे तंत्रिका तंत्र में किस पोषण स्तर में आता है। पौधे को उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर डिपेंड नहीं होता, यह स्वयं अपना भोजन बनाता है और यह भोजन बना के दूसरे लोगों को भोजन देता है, इसलिए इसे उत्पादक कहते हैं। और ये इसको पहली संक्रा में रखा गया, इसे कहाँ रखा गया, पहली संक्रा में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित तत्वों के बीच में बनने वाले यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए। सोडियम और सल्फेट आयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संयोजन अपघटक विस्थापन या उभय विस्थापन क्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो बताना है कौन सी अभिक्रिया संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या उभय विस्थापन है। तो पहली क्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन। पहली क्या है, विस्थापन है। दूसरी अभिक्रिया है अपघटन। अपघटन है। तीसरी अभिक्रिया संयोजन है।
तो आप लिखते जाइए। पहली अब क्रिया विस्थापन है, दूसरी अपघटन है, तीसरी संयोजन है। पहली विस्थापन देख लीजिए, पहली विस्थापन है, दूसरी अपघटन है, तीसरी संयोजन है। पहली अपघट विस्थापन, दूसरी अपघटन, तीसरी संयोजन, चौथी देख लीजिए। चौथी क्या हो जाएगी? उभय विस्थापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उभय विस्थापन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद नेक्स्ट है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोई दो भागों के नाम और उसके लक्षण लिखिए। जंतुओं में पाए जाने वाले कोई दो भागों के नाम, उनके लक्षण लिखिए। जंतुओं में पाए जाने वाले दो भाग, उनकी टांगें और उनकी आंखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पदार्थों का अम्ल या क्षार में वर्गीकरण कीजिए। तो साबुन क्या है? क्षार है। खाने वाला सोडा क्या है? अम्ल है। संतरा क्या है? क्षार है। ताज़ा दूध क्या है? अम्ल है। नींबू क्या है? क्षार है। तो आप नोट कर लीजिए, साबुन क्षार है, खाने का सोडा अम्ल है, संतरा क्षार है, ताज़ा दूध अम्ल है, नींबू क्षार है। साबुन क्षार है, खाने का सोडा अम्ल है, संतरा क्षार है, ताज़ा दूध अम्ल है, नींबू क्षार है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों को आयनिक और सहसंयोजी यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। आयनिक और सहसंयोजी, तो हाइड्रोजन क्या है? आयनिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड सहसंयोजी है, सहसंयोजी है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ये भी सहसंयोजी है। मेथेन भी क्या है? सहसंयोजी है। तो आपकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सहसंयोजी है और पहला और लास्ट क्या है? आयनिक है। क्या है? आयनिक। नोट कर लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा सहसंयोजी है, पहला, पांचवा आयनिक है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC लिंग लिखिए, CH3CHO। निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित क्रियाशील समूह का नाम लिखिए। क्रियाशील समूह क्या है? OH, हाइड्रोक्सी, इसमें क्या है? COOH, Cl, COCH3। नोट कर लीजिए, पहले में क्या है? OH, दूसरे में क्या है? COOH, तीसरे में Cl और चौथे में COCH3। इसके बाद नीचे दिया गया क्वेश्चन, नीचे दिए गए ऊर्जा रूपांतरण में से प्रत्येक का एक उदाहरण बताइए। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में सोलर पंप, सोलर बैटरी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, मोटर,
रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बैटरी, तो पहले का क्या हो जाएगा सोलर पंप, दूसरे का हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में मोटर, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बैटरी, रासायनिक चौथा है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, क्या हो जाएगा बल्ब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, फैन हो जाएगा तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का एक एक उपयोग बताइए। समतल दर्पण, चेहरा देखने में दूसरा अवतल दर्पण का प्रयोग, दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, गाड़ी के शीशों में, उत्तल लेंस का प्रयोग, निकट दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।